हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3 का एक टॉपिक शेड्यूलिंग क्या होता है वो जानेंगे। व्हाट इज शेड्यूलिंग एंड प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेड्यूलिंग जस्ट लाइक जैसे आप लोग कोई भी काम करने का शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है, तो जस्ट इस तरह से आप लोग समझेंगे। जैसे रूटीन पढ़ने का बनाते हैं उसी तरह से शेड्यूलिंग है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है शेड्यूलिंग। तो चलिए प्रैक्टिकली उस तरह समझिए और थियोरेटिकली हम लोग देखते हैं। शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू शेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर टाइम एंड बैंडविड्थ टू डिफरेंट प्रोसेस। शेड्यूलिंग जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसको हम लोग रिसोर्स जो है शेयर करते हैं। जैसे कि रिसोर्स कहने का मतलब उसको मेमोरी प्रोवाइड कराते हैं, प्रोसेसर टाइम प्रोवाइड कराते हैं, बैंडविड्थ, ये सारा जो रिसोर्सेस है, मेमोरी, प्रोसेसर टाइम, बैंडविड्थ, ये सारा चीज़ जो है कि अलग अलग प्रोसेस को शेयर करने का काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है, शेड्यूलिंग के थ्रू। आगे कह रहा है डेटा फ्लोज थ्रीड्स एंड एप्लीकेशन दैट नीड दैम, यानी जो प्रोसेस है, प्रोसेस नीड्स टू बी एग्जीक्यूट, यानी प्रोसेस को आवश्यकता होता है एग्जीक्यूट करने का, तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर टाइम, बैंडविड्थ, डेटा फ्लो थ्रीड, जो भी उसको आवश्यकता है वो सारा चीज़ जो है हम लोग उसको शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस को क्या किया जाता है, रिसोर्सेस को शेयर किया जाता है यूजिंग शेड्यूलिंग। और भी है कुछ पॉइंट जिससे आपको समझ में आएगा। शेड्यूलिंग इज यूज टू बैलेंस ट्रैफिक ऑन द सिस्टम। शेड्यूलिंग का यूज करके जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ट्रैफिक, जैसे रोड पर ट्रैफिक होता है उसी तरह से सीपीयू के अंदर बहुत सारा प्रोसेस जो है कतार में लगा रहता है और वो एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक होता है, वेट करना पड़ता है, तो ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए शेड्यूलिंग का उपयोग होता है। एंड फॉर एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और भी दूसरा यूज है इसका, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है यूजिंग शेड्यूलिंग के थ्रू। हम लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस के बीच में। एंड असाइन प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू द सेटअप रूल्स, तो बहुत सारे प्रोसेस में हम लोग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी भी असाइन करते हैं यूजिंग शेड्यूलिंग। कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा बाद में, किसका प्रोसेस का, किस प्रोसेस का प्रायोरिटी जो है हाई है, किसका प्रायोरिटी जो है लो। तो दूसरा पॉइंट में यही कह रहा है, शेड्यूलिंग का उपयोग करके हम लोग सिस्टम के अंदर ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हैं, और शेड्यूलिंग का यूज करके हम लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द डिफरेंट प्रोसेस। एंड ये जो है क्या करता है, प्रायोरिटी भी डिसाइड करता है यूजिंग रूल्स, यानी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू प्रायोरिटी भी असाइन करता है डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग की सहायता से ए कंप्यूटर सिस्टम कैन सर्व ऑल रिक्वेस्ट, यानी शेड्यूलिंग की मदद से एक कंप्यूटर सिस्टम जो है सभी प्रकार का रिक्वेस्ट को सर्व करता है, यानी उसको सुनता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो शेड्यूलिंग की मदद से कंप्यूटर सिस्टम जो है सारा रिक्वेस्ट को सर्व करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूलिंग, ये शेड्यूलिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। तो सिंपल एक लाइन इस तरह से याद रखना आपको, शेड्यूलिंग जो है एक प्रोसेस है जो कि अलग अलग प्रोसेस को रिसोर्स जो है प्रोवाइड कराता है। शेड्यूलिंग का यूज करके हम लोग जो सिस्टम के अंदर ट्रैफिक होता है उसको बैलेंस कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं यूजिंग सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे नियम के थ्रू प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं। शेड्यूलिंग जो है हमारे रिक्वेस्ट को, प्रोसेस के रिक्वेस्ट को सुनता है, सर्व करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। CPU scheduling is defined as a method which permits the process to use the CPU conveniently
and the efficient way when another process execution is on hold or in a waiting state because of the lack of resources such as input output etc. CPU scheduling क्या है? एक तरह का scheduling ही है. अब CPU scheduling जो है एक तरह का method है जो कि process को permission देता है कि आप CPU का use कीजिए conveniently, यानी एक rule के through, एक पर्टिकुलर वे के थ्रू आप सीपीयू को यूज कीजिए. ऐसा नहीं आए और चले गए, आए चले गए, ऐसा नहीं. तो सीपीयू शेड्यूलिंग जो है एक मेथड है जो कि प्रोसेस को परमिशन देता है कि आप सीपीयू का यूज कीजिए और अच्छे से यूज कीजिए, इफिशियंट वे में यूज कीजिए. और अनदर प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होगा सीपीयू के अंदर या किसी कारण से वेटिंग स्टेट में होगा, तो इस सब चीज़ को देखते हुए किसी इनपुट आउटपुट के वजह से ये वेटिंग स्टेट में हो सकता है या एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सीपीयू शेड्यूलिंग कहता है, प्रोसेस को परमिशन देता है कि आप सीपीयू का यूज कीजिए लेकिन कन्वीनियंटली यूज कीजिए, एफिशिएंट वे में यूज कीजिए. क्लियर है? सीपीयू शेड्यूलिंग एक मेथड है जो कि प्रोसेस को परमिशन देता है कि आप सीपीयू का यूज कीजिए एफिशिएंट वे में. और कुछ प्रोसेस ऐसा है जो वेट कर रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको रिसोर्सेज की कमी है, तो उसको भी मौका मिलेगा बट ठीक तरीका से. ठीक है, जैसे ही उसका रिसोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो सीपीयू को जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग आई होप क्लियर होगा. द पर्पस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. अब देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग का उपयोग जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, तो सीपीयू शेड्यूलिंग का उपयोग से हम लोग सिस्टम के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करा सकते हैं, जो हमारा सिस्टम है उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं यूजिंग सीपीयू शेड्यूलिंग. क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का मौका मिलता है, कुछ प्रोसेस वेट भी करता है, कुछ होल्ड करके रहता है, तो इससे क्या होता है सीपीयू का यानी हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होता है एंड मेक द सिस्टम फास्ट एंड फेयर. जिससे शेड्यूलिंग की मदद से क्या होता है, शेड्यूलिंग का उपयोग से हमारा सिस्टम जो होता है फास्ट होता है और फेयर होता है. ठीक है, क्लियर होगा आई होप. तो ये यूज याद रखिएगा, पर्पस क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग का, हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी को बढ़ाना और सिस्टम को फास्ट एंड फेयर रखना. तो सीपीयू शेड्यूलिंग भी क्लियर हो गया, शेड्यूलिंग क्या होता है वो भी क्लियर हो गया. अब चलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. सिलेबस में जो यूनिट 3 है उसमें पहला ही लिखा हुआ है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है. तो प्रिमिटिव के अंदर, इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग द सीपीयू इज असाइंड फॉर सम टाइम्स. यानी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, जो सीपीयू जो होता है प्रोसेस को कुछ समय के लिए ही असाइन किया जाता है. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर सीपीयू जो होता है प्रोसेस को कुछ समय के लिए, समटाइम्स के लिए ही असाइन किया जाता है. दूसरी तरह से नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर, इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीपीयू इज असाइंड टू द प्रोसेस अनटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन. देखिए यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए मिलता है सीपीयू, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको सीपीयू मिलेगा. यानी कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक उसको सीपीयू मिलेगा. तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सीपीयू इज असाइन टू द प्रोसेस अनटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स द एग्जीक्यूशन. जब तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको सीपीयू मिला रहेगा, यानी फुल टाइम मिलता है, यहाँ पर कुछ समय के लिए मिलता है. दूसरा जो है डिफरेंस प्रिमिटिव के अंदर, इंटरप्ट में अकर बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस. इंटरप्ट मतलब होता है रुकावट, जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है उसके बीच में रुकावट आ सकता है, इसमें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर. और नॉन प्रिमिटिव के अंदर, इंटरप्ट कैन नॉट अकर अनटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन. यानी इंटरप्ट जो होता है यहाँ पर नहीं अकर होता है, नहीं आता है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के समय. तीसरा डिफरेंस है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज फ्लेक्सिबल. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है. और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज रिजिड, ये जो होता है कठोर होता है. क्या होता है? रिजिड होता है, कठोर होता है नॉन प्रिमिटिव. तो ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड होता है, याद रखेंगे. अगला डिफरेंस देखते हैं. इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देयर मे बी ए चांस ऑफ ओवरहेड द
शेड्यूलिंग प्रोसेस, यानी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर जो होता है कुछ शायद हो सकता है जो शेड्यूलिंग प्रोसेस जो है ओवरहेड हो सकता है, क्या हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देयर इज नो चांस ऑफ ओवरहेड ऑफ द शेड्यूलिंग प्रोसेस, यानी यहाँ पर हो सकता है शेड्यूलिंग प्रोसेस रुक जाए, किसी कारण से रुकावट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का ओवरहेड नहीं होता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर, ठीक है। नो चांस ऑफ ओवरहेड ऑफ शेड्यूलिंग द प्रोसेस। अगला डिफरेंस है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज कॉस्ट रिलेटेड, यानी ये लागत से संबंधित होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग समय लगता है। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डज नॉट कॉस्ट रिलेटेड, ये लागत से संबंधित नहीं होता, यानी यहाँ पर फुल टाइम एग्जीक्यूशन होता है। अगला डिफरेंस है इन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग व्हेन द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रीच इनटू द रेडी क्यू, यानी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर जब उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस रेडी क्यू यानी लाइन में खड़ा होता है, तैयार कतार में खड़ा होता है, देन ड्यू टू ऑफ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस लो प्रायोरिटी प्रोसेस कैन स्टार्ट, यानी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जब रेडी क्यू में आ जाता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर, तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा देर वेट कराना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है उसको, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग व्हेन इन ए सीपीयू द प्रोसेस विच हैज मोर बस ट्रैम इज रनिंग, कराज नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर जब सीपीयू के अंदर कोई भी प्रोसेस जिसका बस टाइम क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, बस टाइम जो होता है ज़्यादा होता है और वो प्रोसेस रन कर रहा होता है, देन ड्यू टू ऑफ दिस द प्रोसेस विच हैज द लेस बस टाइम कैन स्टार्ट, यानी कहने का मतलब नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर जो कोई भी प्रोसेस जो रन कर रहा होता है उसका बस टाइम हाइएस्ट है यानी ज़्यादा है, बस टाइम ज़्यादा है, तो जो ऐसा प्रोसेस है जिसका बस टाइम कम है उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को स्टार्ट करना पड़ता है यानी रुकना पड़ता है, उसके एग्जीक्यूशन को रोकना पड़ता है यानी उसको वेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी की वजह से लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को स्टर्ब करना पड़ता है, और यहाँ पर मोर बस टाइम वाले प्रोसेस जो कि रन कर रहा होता है उसके कारण से लेस बस टाइम वाले प्रोसेस को स्टर्ब करना पड़ता है। तो आई होप ये सारा डिफरेंस आपको क्लियर होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, लिख लें। अब अगला है एग्जाम्पल, कौन कौन सा प्रिमिटिव के अंदर आता है, कौन सा नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। तो एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आर राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, STRF, प्रायोरिटी प्रिमिटिव वर्जन, यानी राउंड रोबिन शॉर्ट में RR बोलते हैं इसको, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और प्रिमिटिव जो कि प्रिमिटिव वर्जन है प्रायोरिटी का, तो वो तीनों जो है किस में आएगा, आपका प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और आपका FCFS जो है किस में आता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंदर आता है। तो एग्जांपल भी क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी क्लियर हो गया, शेड्यूलिंग क्या होता है ये भी क्लियर होगा, और CPU शेड्यूलिंग क्या होता है वो भी मैंने बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आप लोगों को FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा। आई होप सभी को क्लियर होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।